तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने उदास क्यों हो। तो भाई ज़िंदगी में पहली बार रिग्रेट हो रहा था मुझे कि मैंने वो वीडियो क्यों बनाई कि पोकेमोन आप लोग बताओ मुझे, मैं उसको मास्टर करके आपको बताऊंगा। और उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट तो मेरा ये कि मैंने लुकारियो का एग्जाम्पल क्यों दिया। आप लोगों ने भाई लुकारियो स्पीड लिख दिया कॉमेंट में, और भाई साहब कल जो मैंने लुकारियो का एक्सट्रीम स्पीड 3 घंटे खेला लगातार, ठीक है, सोलो क्यू में, और इतना फ्रस्ट्रेटिंग था भाई, वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। क्योंकि रैंडम सारे जंगल लेके ऑफलाइन हो जा रहे हैं भाई, अकेले खेल ही नहीं सकते हो तुम लुकारियों से। भाई कोई खेल रहा है ना तो भाई उसके चरण दिखा दो तुम मेरे को। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी मेरे को कि यार, और प्लेयर इतने ओपी ओपी आ रहे थे कि कल का वीडियो आपने देखा ही होगा, इतना ज़्यादा डोमिनेट किया पूरे गेम में। फिर मैं सोच रहा था पूरे गेम में कि हाँ चलो भाई वीडियो निकल गई, और एंड में जाके गार्चम ने अपनी समझ रहे हो ना। तो भाई यार बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। तो भाई मैंने तो फिर 3 घंटे खेला, और फिर मैंने कहा छोड़ो इसको, भगाओ मेरे से नहीं होगा। फिर मैं गया यूट्यूब पर भाई, तो यूट्यूब पर जाके मैंने सर्च किया लुकारियो स्पीड गेम प्ले, फिर वहाँ पर जाके तो भाई आँखें ही खुल गई मेरी। मतलब बंदों ने 55,000 तक के भी लुकारियो के गेम प्ले डाल रखे। मैंने कहा यार 55,000 अच्छा होता है क्या? मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने रखी थी 1,20,000, 1,25,000। भाई बंदों ने डाला तो 55,000 पे लुकारियो स्पीड फुल डोमिनेशन। मैंने कहा अच्छा भाई ये देखता हूँ पहले, और जाके देखा तो 55,000। तो हाँ यार ये गेम प्ले भी थे, और थे अच्छे गेम प्ले भी थे, लेकिन भाई 55 से लेकर 80 तक की बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे को लग रहा था कि भाई शायद यही रेंज है इसकी, ये पोकेमॉन की इतनी पोटेंशियल रखता है ये पोकेमॉन। तो भाई फिर वापस आया मैं 1-2 घंटे बाद, फिर बैठा और ये वाला गेम प्ले रिकॉर्ड किया है फिर मैंने। मज़ा बहुत आया इसमें। हालांकि लुकारियो से अगर तुम मर रहे हो ना भाई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई लुकारियो भी नर्फ में चल रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे को लग नहीं रहा है कि ये कुछ कर पाएगा इस मेटा में ज़्यादा, तो सोलो क्यू में तो खेलना ही मत, पहली टिप ही समझ लें मेरी तरफ से कि अगर तुम सोलो क्यू खेल रहे हो तो भाई लुकारियो मत ही खेलो, और खेल रहे हो तो फिर दूसरा मूव खेलो, ये मत खेलो। तो हाँ यार बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। फिर मैंने गेम प्ले रिकॉर्ड करने बैठा तो ये वाला मैच निकला, और फुली लुक यूज़ करने लग गया मैं इस पर। भाई मैंने कहा टर्न से तुम बच ही नहीं सकते, क्योंकि डिफेंडर आगे ही नहीं जा रहे यार, तो कैसे मारूंगा मैं? मतलब मेरे को ही आगे जाना पड़ता है, डिफेंडर मेरे पीछे चुप रहा है। मतलब क्या ही बोलूँ यार, तो कोई भी मैच अगर मैं रैंडम उठा के आपको दिखाऊंगा ना अभी, तो आप देखोगे कि डिफेंडर से ज़्यादा डैमेज टेकन तो मेरा है। तो आप लोग सोच रहे होगे कि बहाने दे रहा तो बहाने नहीं दे रहा हूँ यार, मतलब ऐसे सीरियसली है। तो ये गेम प्ले आप इन्जॉय करो यार, मैं आप लोगों को बताऊँगा जो पॉसिबल टिप्स एंड ट्रिक्स है ना भाई, वो सब बताऊँगा। और वीडियो को इन्जॉय करो, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तुम्हारे भाई का ही चैनल है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।
है।